खबर गया से है जहां मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के केंदुओं में आज सामाजिक तत्वों ने किया कार चालक पर जानलेवा हमला। घायल व्यक्ति ने बताया कि स्थानीय थाना द्वारा गश्ती में लापरवाही के कारण आए दिन गंभीर घटना को अंजाम दिया जा रहा है और थाना के पुलिस अधिकारी मौन व चुप्पी साथ रखी है। वही उपेंद्र यादव ने बताया कि केंदुए गांव में शराब निर्मित करते हुए धड़ल्ले से हो रहा है कारोबार। उसी दौरान गुमटी संचालक शराब के नशे में था, जिसके पास जाकर खैनी मांगा तो हम पर रॉड डंडे से हमला करते हुए मेरे सर पर वार किया, जिसमें मैं घायल हो गया। रोके हम गए थे गेहूं किसाने खिरिया मां। कहां गाड़ी रोके थे? गाड़ी रोके थे अपना घर के पास। कहां घर है आपका? घर के पास केंदुआ गांव हुआ। अच्छा, उस केंदुआ गांव में हम रोके गाड़ी। अच्छा, आटा पहुंचा के आए। अच्छा, मेरे पास खैनी नहीं था। अच्छा, तो हम भाई का जो गुमटी है ना, सिकंदर विकलांग है। गुमटी कहां पर है? विकलांग केंदुआ गांव में है, मस्जिद के पास। अच्छा, तो हम गए वहां पर तो खैनी हम उससे मांगे 10 रुपया का। अच्छा, तो 10 रुपया का खैनी नहीं देखे, वो जो है ना बोला कि तुम बार बार आते हो ऐसे वैसे। और फिर हुआ यही चीज कि हम उसको पैसा देने के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन वो दारू पिए हुए था। अच्छा, इसलिए कि हमको वो खैनी नहीं दिया। पूरा केंदुआ में गांव दारू बिक रहा है। दारू बिक रहा है पूरा एकदम रोड साइड जितना बिक रहा है, जितना चौधरी है सब यहाँ दारू बिक रहा है। अच्छा, किसी के यहाँ फिर आपको क्या किया? जैसे खैनी ने जो है निकाला, वो जो बनाता है ना अंडा। अच्छा, और उसका कलछुल। हाँ, उससे हम पर वार करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, और माथा हमको फट गया। वो तो हमको जान लेने का मतलब मर्डर करने का अथि किया था। क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं है, उसका बाप का नाम है कमलेश चौधरी, लेकिन बेटा को हम नहीं जानते हैं नाम। अच्छा, बेटा का नाम थोड़ा सा हमको याद नहीं है उसका। गुमटी किराए पर ले ले है? हाँ, वो मेरा भाई विकलांग है ना, उससे लिए हुए। क्या नाम आपका? उपेंद्र यादव। कहाँ रहते हैं? केंदुआ। क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं। किनका गाड़ी चलाते हैं? राजकिशोर सिंह भारत सुवाश्रम संघ के सामने है।